नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलम। वेलकम टू मॉम की डायरी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10, 11 और 12 महीने के बच्चे के डाइट चार्ट के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि हर मील के टाइम पे आपके पास क्या क्या ऑप्शन हैं और किन ऑप्शंस में से आप बच्चे को चूज़ करके उस टाइम पे वो दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपके कुछ डाउट्स डाइट चार्ट के रिगार्डिंग मैं क्लियर करना चाहती हूँ। सबसे पहला जो डाउट होता है कि हमारा बच्चा 10 महीने का है या 11 का है या 12 का है, तो हम उसे कितना मिल्क दें। देखिए, बच्चे को कितना मिल्क देना है ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहली चीज़ है कि वो बच्चा सॉलिड्स ले रहा है कि नहीं। अगर वो सॉलिड ले रहा है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों चीज़ें ले रहा है, प्लस दो स्नैक्स ले रहा है, मिड मॉर्निंग स्नैक्स ले रहा है, इवनिंग स्नैक्स ले रहा है, तो 5 टाइम प्रॉपर मील ले रहा है, तो उसकी मिल्क की रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली कम होती है। जैसे कि मेरा बच्चा प्रॉपर 5 मील्स ले रहा था, तो सुबह के टाइम पे वो लगभग 180 ml मिल्क लेता था जैसे ही उठता था फ्रेशली, और उसके बाद सोने से पहले 180 ml मिल्क लेता था। तो पूरे दिन की अगर उसकी रिक्वायरमेंट देखें तो लगभग 360 ml थी। ये मैक्सिमम अमाउंट बता रही हूँ, कभी कभी वो कम भी पीता था, ज़्यादा नहीं पीता था इससे। तो डेली का जो उसका मिल्क का इंटेक है वो लगभग 360 ml था। उसे फॉर्मूला मिल्क दिया जा रहा था उस टाइम पे। काओ मिल्क हमने 1 ईयर के बाद ही इंट्रोड्यूस किया है। सेकेंड जो चीज़ है जिस पे कि मिल्क लेने की अमाउंट डिपेंड करती है, वो है कि बच्चा क्या अभी भी ब्रेस्ट फीडिंग है या नहीं है। तो मेरा बच्चा ऑन डिमांड बीच बीच में ब्रेस्ट फीड भी ले लेता था थ्रू आउट द डे, लेकिन अगर नहीं है तो आपको स्पेशल ध्यान रखना है और आप एक मिल्क और बीच में ऐड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए फूड की। तो जब तक बच्चा 10 से 12 महीने का होता है, कुछ बच्चों के 4-5 दांत आ गए होते हैं, कुछ बच्चों के 2 ही दांत आते हैं, कुछ बच्चों के अभी तक भी दांत नहीं है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। दांत अपने टाइम पे आ जाएंगे। हर बच्चा अलग होता है, हर एक की एक अलग अलग रेंज होती है। तो इस टाइम पे कंसिस्टेंसी इसी चीज़ पे डिपेंड करेगी कि क्या बच्चों के दांत आ गए हैं और उसके मरसूड़े स्ट्रांग हो गए हैं। अगर बच्चे के दांत नहीं आए हैं तो अभी भी आपको प्यूरी फॉर्म में या फिर मैश फॉर्म में देना पड़ेगा, लेकिन अगर बच्चे के दांत आ गए हैं तो आप थोड़ा सा थिक मैश्ड फॉर्म में दे सकते हो। तो फूड की कंसिस्टेंसी है वो आपको अपने बच्चे को देखनी है और अकॉर्डिंगली एडजस्ट करनी है। तीसरा जो पॉइंट है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कभी कभी कम बच्चा खाता है, कभी कभी ज़्यादा खाता है। जो ग्रोथ पीरियड्स होते हैं उसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। कभी कभी बीमार होता है, सिक होता है, अंदर से अच्छा फील नहीं कर रहा तो कम खाता है। तो आइडियली कम ज़्यादा खाना इज़ ओके। आपको देखना है कि जब भी बच्चा कम खा रहा है तो उस टाइम पे जो भी आप मील दे रहे हैं वो ताकत से भरा हुआ हो, तो कोई बात नहीं। एक दो दिन अगर कम खाएगा तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते कि आप जो खाना दे रहे हैं वो बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड दे रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं कि एक 10 से 12 महीने का बच्चा कितने मील्स आइडियली उसको लेने चाहिए। जैसे बच्चा सुबह उठता है तो उसको मिल्क लेना चाहिए, उसके बाद उसको ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, उसके बाद मिड मॉर्निंग स्नैक्स की बारी आती है, फिर लंच लेना चाहिए, उसके बाद इवनिंग स्नैक्स, डिनर, और उसके बाद सोने से पहले फिर से एक बार दूध। तो बेसिकली 3 प्रॉपर मील्स हो गए, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, 2 स्नैक्स टाइमिंग हो गई, मिड मॉर्निंग स्नैक्स और इवनिंग स्नैक्स, और साथ में 2 टाइम मिल्क हो गया, एक सुबह उठने के बाद और एक रात को सोने से पहले। तो बेसिकली ऑल टुगेदर 7 मील्स हो गए। और अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग हैं तो बीच बीच में आप ऑन डिमांड उसे ब्रेस्ट फीड भी कराते रहेंगे, लेकिन अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं है, आपने स्टॉप कर दी है, तो आप बीच में एक सप्लीमेंट दूध का और दे सकते हैं। तो चलिए अब डाइट चार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट ऑप्शंस दिए हैं, स्नैक्स ऑप्शंस दिए हैं, लंच डिनर ऑप्शंस दिए हैं। आप इनमें से कोई भी बना सकते हो। इनमें से कुछ चीज़ों की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगी, या फिर आप YouTube पे बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे ये रेसिपी शेयर करी गई हैं। एक और एडवाइस मैं यहाँ पे देना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा ठीक से खाता नहीं है तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, पेशेंस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको ट्राई करना होगा कि उसको अलग अलग तरीके से हम बदल बदल के खाना दें, तो कुछ ना कुछ इतने सारे ऑप्शंस में से उसको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट ऑप्शंस की। ब्रेकफास्ट में आप दे सकते हो खिचड़ी, खिचड़ी चावल की खिचड़ी बन सकती है, आटे का दलिया बना सकते हो, ओट्स की खिचड़ी बन सकती है, सूजी की खिचड़ी बन जाती है, ठीक है, ये सब खिचड़ी के ऑप्शंस हो गए, रागी की खिचड़ी बन जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं खीर की। खीर मखाने की खीर बना सकते हो, सूजी की खीर बना सकते हो, नॉर्मल चावल की खीर बना सकते हो, तो ये सब खीर के ऑप्शंस। चीला, चीले में
आप मूंग दाल का चीला बना सकते हो, बेसन का चीला बना सकते हो, सूजी का चीला बना सकते हो, आटे का चीला बना सकते हो, चावल के आटे का चीला बना सकते हो। फिर बात करते हैं हम डोसा। डोसा भी बच्चे के लिए बहुत हेल्दी रहेगा। डोसा और उत्तपम भी आप बना के दे सकते हो। रागी का भी डोसा बना सकते हो, ओट्स का डोसा बना सकते हो, चावल दाल का डोसा बना सकते हो। इडली भी आप सूजी की इडली बना सकते हो, दाल चावल की इडली बना सकते हो, ओट्स की इडली बना सकते हो। उपमा बहुत ही हेल्दी है, मैं अपने बच्चों को काफ़ी बार उपमा देती हूँ, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है। पोहा को आप दे सकते हो, पोहा का पाउडर फाइन करके पोहे की खीर बना के दे सकते हो, या फिर पोहे को नमकीन फॉर्म में दे सकते हो। पराठे आप बना के दे सकते हो बच्चे को। पराठे बिल्कुल घी में बने होने चाहिए। जो भी खाने में आप घी यूज़ करेंगे वो घर का घी होना चाहिए। पराठे में पनीर पराठा दे सकते हो, आलू का पराठा दे सकते हो, पालक का पराठा, मेथी का पराठा, जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं उसका पराठा आप दे सकते हो। हलवा दे सकते हो, सूजी का हलवा दे दो, आटे का हलवा दे दो, या फिर मखाने, ड्राई फ्रूट्स पाउडर वगैरह सब मिक्स करके सूजी में वो हलवा टेस्टी बन जाता है काफ़ी, वैसे दे सकते हो। मूंग दाल का हलवा दे सकते हो। नेक्स्ट है दलिया। आटे का दलिया आप दे सकते हो। और इसके बाद मैंने चूरमा रेसिपी भी शेयर करी थी, जो कि रोटी से बनती है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। चूरमा भी आप दे सकते हो। एग से बनी हुई कोई चीज़ दे सकते हो, जैसे कि ओमलेट या फिर एग भुर्जी दे सकते हो। और साथ ही आप सेरेलैक हमेशा ऑप्शन में रख सकते हो। सेरेलैक भी अच्छा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको नहीं देना है, क्योंकि ये एक बाज़ार से ख़रीदा हुआ रेडीमेड फूड है। तो इसे आप एक ही टाइम दीजिए। मैं अपने बच्चे को एक मील सेरेलैक का भी ज़रूर देती थी। अब हम बात करते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक्स की। तो मिड मॉर्निंग स्नैक्स में बेसिकली मैं फ्रूट्स या वेजिटेबल्स देना प्रेफर करती थी। तो फ्रूट्स में कोई भी कट फ्रूट, कोई भी सीजनल कट फ्रूट आप दे सकते हो। बाय दिस टाइम बच्चे के 3 से 4 दांत आ गए होते हैं, तो आप उसको छोटे छोटे पीसेस में काट के दे सकते हो, या फिर आप मैश करके भी दे सकते हो, जैसे आपके बच्चे को ठीक लगे। तो केला दे सकते हो, अंगूर दे सकते हो, तरबूज दे सकते हो, अवोकाडो दे सकते हो, सेब दे सकते हो, पाइनएप्पल दे सकते हो। तो ऑलमोस्ट एनी फ्रूट अभी दे सकते हो, सिर्फ सिट्रस फ्रूट्स को छोड़ के। मौसम्बी और संतरा 1 साल के बाद देना है, उसके पहले ये सब दे सकते हो। फ्रूट जूस आप दे सकते हो बच्चे को। घर का बना हुआ फ्रूट जूस निकाल लीजिए, 100-150 ml बच्चे को जूस दे दीजिए, वो अच्छा रहेगा। मिक्स्ड फ्रूट सैलड दे सकते हो। पनीर बहुत अच्छा रहता है, मैं अक्सर विवान का फेवरेट है, तो पनीर के कट पीसेस करके उसको वैसे ही मैश करके खाने के लिए देती थी। कस्टर्ड आप दे सकते हो। कस्टर्ड बना के उसमें फ्रूट डाल दीजिए, या तो ड्राई फ्रूट डाल दीजिए, तो ये भी बहुत अच्छा हेल्दी ऑप्शन है बच्चे के लिए और बहुत ही क्विकली बन जाता है। ऑमलेट यहाँ पे भी आप दे सकते हो बच्चे को। वेजिटेबल्स के सूप बना के दे सकते हो, जैसे कि मेथी, पालक, कोई भी ऑलमोस्ट सीजनल वेजिटेबल आप बना के उसकी प्योरी करके या फिर उसका पतला सूप बना के दे सकते हो, जैसे आपके बच्चे को अच्छा लगे। रायता दे सकते हो स्नैक्स में, कोकोनट वाटर, नारियल का पानी दे सकते हो। चूरमा आप यहाँ पे भी दे सकते हो और लस्सी वगैरह भी दे सकते हो। साथ ही आप मखाने की खीर यहाँ पे दे सकते हो। बॉइल्ड पोटैटोज़ का सलाद दे सकते हो, बॉयल्ड पोटैटो करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में मैश करके, एंड उसमें थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करके, ये भी बहुत अच्छा स्नैक ऑप्शन सर्व करेगा। चलिए अब हम बात करते हैं लंच की। तो लंच में थोड़ा सा हैवी देना ज़रूरी है, तो आप रोटी, दाल, दाल में घी मिक्स करके रोटी अच्छे से उसमें मैश करके दे सकते हो। दाल में चावल मिक्स करके दे सकते हो, चावल में दही मिक्स करके दे सकते हो। वेजिटेबल खिचड़ी आप बना सकते हो, या फिर प्लेन खिचड़ी भी आप बना सकते हो और उसमें दही मिक्स करके दे सकते हो। और रोटी, सब्ज़ी, सब्ज़ी यहाँ पे जो होगी तरीदार होगी, अच्छे से मैश्ड होगी, तो रोटी, सब्ज़ी और घी डाल के उसमें दे सकते हो। साथ ही ऑमलेट, भुर्जी रोटी के साथ दे सकते हो, या फिर आप कोई भी पराठा, मेथी, पालक, पनीर, आलू, गोभी, एनी पराठा आप कैसे भी दे सकते हो, उसमें कुछ भी आप भर सकते हो। जितनी ज़्यादा चीज़ें आप भरेंगे उतना ही ज़्यादा बच्चे के लिए न्यूट्रिशियस हो जाएगा। पराठे को घी या फिर दही के साथ भी दे सकते हो। रोटी को जब दही के साथ दोगे तो उसमें शुगर या सॉल्ट भी दे सकते हो। और चूरमा जो है ऑल टाइम फेवरेट है विवान का, तो चूरमा भी आप लंच ऑप्शंस में दे सकते हो। अब बात करते हैं इवनिंग स्नैक्स की। इवनिंग स्नैक्स भी ऑलमोस्ट जो मिड मॉर्निंग स्नैक्स था उसकी तरह ही होगा। पनीर दे सकते हो, बहुत ही अच्छा सोर्स है आयरन का। टोफू दे सकते हो, टोफू इज़ ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन। फ्रूट, कट फ्रूट्स दे सकते हो, बॉयल्ड वेजिटेबल्स दे सकते हो, वेजिटेबल सूप्स दे सकते हो, बॉयल्ड पोटैटोज़ दे सकते हो, कस्टर्ड दे सकते हैं,
फ्रूट्स दे सकते हैं, फ्रूट कस्टर्ड, ड्राई फ्रूट दे सकते हो। ड्राई फ्रूट को रोस्ट करके घी में अच्छे से उसका पाउडर बना के आप दे सकते हो, या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट के आप लड्डू फॉर्म में बना के दे सकते हो। मूंग दाल को लड्डू फॉर्म में, उसको तोड़ तोड़ के तो आपको ही खिलाना पड़ेगा, बट उसमें ड्राई फ्रूट पाउडर में और मूंग दाल के पाउडर में अच्छे से घी मिला के जो लड्डू बनते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिनर ऑप्शंस की। तो डिनर ऑप्शंस में खिचड़ी सबसे बेस्ट रहती है बच्चे के लिए। खिचड़ी, दाल की खिचड़ी बना के दे सकते हो, ओट्स की खिचड़ी बना के दे सकते हैं, और साथ ही ऑमलेट, भुर्जी, वेज सूप, जो सारे ऑप्शंस हमने लंच में डिस्कस किए हैं वो सब आप यहाँ पे डिनर में दे सकते हो। रोटी, दही, दही कोशिश करिए कि ठंडी के टाइम में शाम में अवॉइड करें। रोटी, दाल, रोटी, सब्जी, ओके, पराठा, चूरमा, खिचड़ी, सेरेलैक भी आप दे सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको कोई ना कोई ज़रूर आपके बच्चे को पसंद आ जाएगा। और इन रेसिपीज़ को वन बाय वन मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने चैनल पे इनकी कुकिंग की जो प्रोसीजर है वो भी दिखाऊं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। एक और वीडियो के साथ मैं फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।